नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपके साथ एक बहुत ही अच्छा ऑर्गेनाइजर का आइडिया शेयर करने वाली हूँ, जिसके लिए आपको मार्केट से कुछ भी परचेज करने की जरूरत नहीं है। और बेस्ट पार्ट है, इसे बनाने के लिए आप अपने पुराने फैब्रिक का कुर्ता, साड़ीज या जेंट्स की कोई पुरानी शर्ट है, आप उसका यूज कर सकते हो इस ऑर्गेनाइजर को बनाने के। इस टाइप के ऑर्गेनाइजर जब हम मार्केट से परचेज करते हैं तो ये काफी कॉस्टली पड़ते हैं। इस मेथड से आप बहुत ही इजिली घर पर ही इसे बना सकते हो और अपनी अलमीरा को ऑर्गेनाइज वे में रख सकते। इससे पहले भी मैंने कई सारे ऑर्गेनाइजर के आइडिया आपके साथ शेयर किए थे, अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते। वीडियो अच्छा लगे आपको तो इसे लाइक करना मत भूल। अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो या अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर ले। चलो फिर वीडियो शुरू करें। तो इस ऑर्गेनाइजर को बनाने के लिए यहाँ पर मैंने दो फैब्रिक पीस लिया है, नीचे के साइड रहेगा और ये हमारा मेन फैब्रिक है। और इसकी लेंथ मैंने लिया है 38 इंच और ब्रेथ 16 इंच। आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से लेंथ कम या ज्यादा कर सकते हो। और अब इस तरीके से मेरे पास ये पिन है, इसे मैं चारों साइड से लगा लूं ताकि हमारा स्टिचिंग प्रोसेस इजी रहे। और जो भी आपको एक्स्ट्रा फैब्रिक रहा है वो स्टिच करने के बाद मैं कट कर, ताकि इस पे झोल ना आए, जो भी एक्स्ट्रा रहेगा उसे मैं कट कर लूं। चारों साइड मैंने पिन लगा दिया है और अब इसे मैं 3 साइड से स्टिच कर लूंगी। एक साइड हमारा ओपन रहेगा, तो चाहे आप इस साइड ओपन रखिए चाहे इस साइड, किसी भी तरीके से। तो अभी 3 साइड से मैं इसे स्टिच कर रही हूँ। यहाँ पर इस तरीके से तीनों साइड मैंने इसे स्टिच कर लिया है और अब फैब्रिक को हम पलट लेंगे। वो जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो अंदर के साइड आ जाएगा, यानी सीधा साइड इसका इस तरीके से हम कर लेंगे। ये इसका फ्रंट साइड है और अब यहाँ पर मैंने ये आटा बैग लिया। आप इसकी जगह राइस बैग का भी यूज कर सकते हो और इसे मैं कट कर लूंगी। ये ऑर्गेनाइजर फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें आपको कुछ भी ऐसा लेने की जरूरत नहीं है मार्केट से। फैब्रिक तो कुछ ना कुछ बचे ही रहते हैं हमारे पास, तो आप इसका यूज करके इसे बना सकते हैं। इस आटा बैग की चौड़ाई थोड़ी कम थी तो मैंने इस तरीके से ज्वाइंट किया है। आप देख सकते हो ये सिलाई चला ली है और लेंथ में भी ये अटैच किया है, तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर इसे लंबा कर लिया है और इसकी चौड़ाई भी बढ़ा ली है। और अब इसे मैं इंसर्ट करूँगी, तो आपके साथ अगर ऐसी प्रॉब्लम आती है तो आप ये जुगाड़ कर सकते हो। और अब इसे मैं इसके अंदर इंसर्ट कर लूँ। आटा बैग को मैंने इस तरीके से इंसर्ट कर लिया है और अब इसके चारों साइड से हमें स्टिच कर लेना है और सेंटर पर भी मैं सिलाई चलाऊंगी ताकि ये फिक्स हो जाए। अगर आपके पास आटा बैग नहीं है तो इस तरीके से आप फैब्रिक बैग का भी यूज कर सकते हो इस DIY को करने के लिए। और ये मेरे पास राइस बैग है तो आप इसका भी यूज कर सकते हो बनाने के लिए। ऑप्शन आपके पास कई सारे हैं तो आप इस तरीके से यूज कर सकते हो। तो अभी मैं इसके 3 साइड सिलाई करूंगी और फिर इसके बाद ये जो ओपन एरिया है उसको मैं बाद में स्टिच करूँ। तो इस तरीके से मैंने 3 साइड पर सिलाई चला लिया है और ये जो इसका ओपन एरिया है इसमें फैब्रिक को इस तरीके से हम अंदर के साइड, जो हमने आटा बैग यूज किया है उस पर इस तरीके से अंदर के साइड लगाते हुए, और ये भी फैब्रिक अंदर के साइड हम फोल्ड करेंगे और दोनों को इस तरीके से रखते हुए यहाँ से हमें सिलाई चला लेनी है। पूरी हम इस तरीके से ही सिलाई चल कर ले। और जो सेंटर वाला एरिया है वहां पर हम पूरी लेंथ में स्टिच करेंगे और ब्रेथ में भी स्टिच करेंगे ताकि जो हमने आटा बैग इसके अंदर इंसर्ट किया है वो फिक्स हो जाए। तो इस तरीके से सेंटर पर मैंने स्टिच कर लिया है और ये दो फैब्रिक पीस सेम मेजरमेंट के रेडी किए हैं। और अब इसे मैं इस तरीके से रखूँ, दोनों ही फैब्रिक को हमें इस तरीके से रखना है। आप देख लीजिए किस तरीके से मैंने रखा है, बस आप सेंटर का ध्यान रखिए, इस तरीके से सेंटर पर रखना है। इस तरीके से 3 साइड से हमें सिलाई चलानी है, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, और ये वाला पोर्शन मैं ओपन रखूँ तो तीनों साइड से मैं इसे स्टिच कर लूंगी। तो इस तरीके से मैंने फैब्रिक को ज्वाइन कर लिया है, 3 साइड से इसे स्टिच किया है। ये साइड ओपन है तो यहाँ पर ये पॉकेट बन गई और इसमें बाद में हम कार्डबोर्ड इंसर्ट करेंगे ताकि ये स्टिफ रहे, जो ऑर्गेनाइजर हम बना रहे हैं। और अभी क्या करना है, इसे मैं इस तरीके से करके और 2 साइड से हमें स्टिच करना है, तो इधर के साइड से और इधर के साइड से इसको हम अटैच कर लेंगे और ये वाला साइड ओपन रहेगा। तो पहले मैं इसे स्टिच करूंगी, तो एक बार मैं बता दूं किस तरीके से करना है। इस तरीके से हम फैब्रिक को पकड़ेंगे और ज्वाइंट करते हुए इस तरीके से यहाँ पे सिलाई कर ली। इसी तरीके से दूसरे साइड भी करना है। तो इसे मैंने इस तरीके से 2 साइड से स्टिच कर लिया है और ये अटैच हो गया है। ये साइड हमारा ओपन रहेगा और यहाँ पर नीचे के साइड जो पॉकेट हमने बनाई थी यहाँ पर हम सेम मेजरमेंट का कार्डबोर्ड इंसर्ट करेंगे तो ये स्टिफ हो जाएगा। और अभी क्या करना है, इसके ऊपर हम फ्लैप अटैच करेंगे
तो फ्लैप अटैच करने के लिए यहाँ पर मैंने ये कंट्रास्ट में फैब्रिक लिया और इसके अंदर भी इस बैग को डाल दिया है और सेम उसी तरीके से जैसे इसे स्टिच किया तरीके से ऊपर के साइड फोल्ड करते हुए हम स्टिच कर लें। दोनों ही फैब्रिक को इस तरीके से फोल्ड करना है और स्टिच कर लेना है, यहाँ से सिलाई चला लेंगे तो ये बंद हो जाए। तो इस तरीके से मैंने फ्लैप भी रेडी कर लिया है। यहाँ पर मैंने कंट्रास्ट में फैब्रिक लिया है, आप चाहो तो सेम फैब्रिक भी ले सकते हो, जिस भी कलर का आपने ऑर्गेनाइजर लिया है उसी कलर का फ्लैप लगा सकते हो। मैंने यहाँ पे कंट्रास्ट में लिया है। मेजरमेंट मैं बता दूं, ये स्क्वायर में पीस है और इसका मेजरमेंट मैंने 16 बाय 16 इंच रखा है। अब इसे मैं अटैच कर लूंगी। तो फ्लैप को किस तरीके से अटैच करना है, इस तरीके से कॉर्नर से हम पकड़ेंगे और कॉर्नर से कॉर्नर को मिलाते हुए हम इसे स्टिच कर लेंगे। तो पहले मैं यहाँ से सिलाई चलाऊंगी और जब ये स्टिच हो जाएगा तो ये दोनों ही साइड को मैं स्टिच कर लूँगी। इस तरीके से टॉप पोर्शन को भी मैंने अटैच कर लिया है और ये इस तरीके से आएगा, ये वाला फ्लैप इस तरीके से। ये हमने स्ट्रिप रेडी की है, 4 स्ट्रिप है, तो इसे मैं यहाँ पर दोनों साइड अटैच करना है, इस वाले फ्लैप पे और ये जो टॉप पोर्शन है यहाँ पर। तो इस तरीके से मैं 4 स्ट्रिप को यहाँ पर अटैच कर दूँ। इस तरीके से मैंने चारों स्ट्रिप को अटैच कर दिया है। ये बहुत ही सिंपल रखा, अच्छा खासा है, इसमें स्पेस है, अपने कपड़े को ऑर्गेनाइज वे में रख सकते हो और ये जो हमने स्ट्रिप लगाई है इससे आप इसे टाई कर सकते हो। और आपको दिखा दूँ, ये जो बॉटम वाला पोर्शन है वहाँ पर जो पॉकेट बनाई थी, इस तरीके से मैंने कार्डबोर्ड को इंसर्ट किया है ताकि बॉटम एरिया स्टिफ रहे। तो इस तरीके से आप इस ऑर्गेनाइजर को बना सकते हैं, बनाना बहुत ही ईजी है। तो अब इसमें मैं कपड़ों को ऑर्गेनाइज करके आपको दिखाती हूँ। तो इस तरीके से मैंने सारी बेडशीट को इसमें लगा दिया है, अच्छी खासी स्पेस है तो मेरी काफ़ी बेडशीट इस पर आ गई है। आप चाहो तो इसे साड़ी ऑर्गेनाइजर की तरह भी यूज़ कर सकते हो या आप जो भी रखना चाहते हो आप इस तरीके से ऑर्गेनाइज वे में अपनी अलमीरा में रख सकते हो और इसे इस तरीके से हम टाई कर लें। तो कैसा लगा ये DIY कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कर दें। फ्रेंड्स टेक केयर एंड।